देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की फायर ब्रांड नेता कही जाने वाली दिव्या मदेना की। बता दें कि दिव्या मदेना ओसिया विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। साल 2018 में भी मदेना इसी सीट से चुनावी रण में उतरे। दरअसल आपको बता दें कि दिव्या मदेना को राजनीति विरासत में मिली है। उनके दादा अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते थे। एक समय था जब वे राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। ऐसे ही कुछ कहानी दिव्या मदेना के पिता की भी है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई है। एक है गहलोत गुट और दूसरा है पायलट गुट। लेकिन अगर दिव्या मदेना की बात करें तो दिव्या मदेना इन दोनों ही गुटों में से किसी का भी हिस्सा नहीं है। वे सीधे सीधे हाई कमान से ताल्लुक रखती हैं, हाई कमान के आदेश को ही मानती हैं और हाई कमान के खातिर कई बार वो दोनों इन कद्दावर नेताओं के खिलाफ भी चली जाते हैं। अशोक गहलोत की अगर बात करें तो अशोक गहलोत को लेकर दिव्या मदेना के मन में एक अलग ही नाराजगी है। ये रूखापन दरअसल आपको बता दें कि काफी पुराना है। ये बात है 1996 की, जब दिव्या मदेना की दादा और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता परसराम मदेना लगभग मुख्यमंत्री बनने वाले थे। लेकिन एक बार फिर से राजस्थान की जादूगर कही जाने वाले अशोक गहलोत ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके चलते दिव्या मदेना के दादाजी का ये सपना टूट गया। और एक बार फिर से दिव्या मदेना भरे मंच से इन तमाम बातों को बताती हुई नजर आई, जैसे कि आखिरकार क्यों वे सालों से दिवाली नहीं मनाती। आखिरकार जब उनके पिता जेल गए तो दिव्या मदेना ने क्या कदम उठाया। इस तरह के तमाम सवाल जिनके जवाब देती हुई भरे मंच से दिव्या मदेना नजर आ रही है, सुनिए जरा। 2011 में हमारे साथ जो गोनी ने खटा, रातों रात हमारे घर पर पहाड़ टूट गया, ताश के पत्तों की तरह हमारा घर बिखर गया। 2011 की दिवाली लाल होता है या फिर एकदम शाह काली होती है, वो शाह काली। हमने जिंदगी की परेशानियों का सामना किया और ये तय किया कि हमारे जीवन की रोशनी मेरे माता जी बैठी हैं आज, मेरी बहन की, मेरी, हमारे जीवन की रोशनी अगर है तो हमारे पिता से है। हमारे जीवन के कोई रंग होली में होते हैं जैसे इंद्रधनुष की तरह, अगर कोई रंग है तो हमारे पिता से है। जन्मदिन जो मनाते हैं तो मेरे जन्मदिन का मतलब जन्मदाता से है। जन्मदाता के बिना जन्मदिन दिवस नहीं हो सकता। तो हमने कहा कि जब घर आएंगे तभी मनाएंगे, जैसे पहले वो लक्ष्मी पूजन में हिंदू संस्कृति के घर के कर्ता के रूप में बैठते थे, पूजन करते थे, हम हाथ आगे बढ़ाकर मौली बांधते थे। मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी थी तो मुझे अम्बेसडर गाड़ी हुआ करती थी, पिचकारी दिलाकर लेकर आया करती थी। जन्मदिन पे अपने हाथ से मिठाई खिलाते थे, हाथ से वो केक कटवाते थे। ऐसी स्मृतियों का जैसे कोई सुनामी आ रही हो, ऐसी स्मृतियां बार बार उनके अभाव में, उनके विरह में, उनकी वेदना में आती हैं। और हमने कहा कि नहीं, वो जब वहां है और हमें यहाँ एक बिखरे हुए परिवार के रूप में है, न वो दिवाली अंदर मना सकते हैं, न उनके लिए जीवन में कोई उत्सव है, तो हमारे लिए भी नहीं है। मैंने कहा जब आएंगे, जब 5 साल 3 साल हर बार ये था, शायद इस साल आ जाए, जब आएंगे। करते करते हर साल एक आस बनती थी, हर साल वो आस टूटती थी, 10 साल हो गए। फिर वो अस्वस्थ हो गए, एक साल हम बंबई जयपुर अस्पतालों में, वो 25 दिन के लिए बाद में घर आए, 25 दिन के लिए, और
जन्मदिन मनाए थे और हमारी ये आज जीवन भर के लिए अधूरी रह गई है। मेरा जन्मदिन 25 अक्टूबर को आता है, वो 17 अक्टूबर को गए, उन 12 दिनों में मेरा जन्मदिन था। जन्मदाता की आज से जन्म और मैं श्रोता दूर होकर उस दिन बैठी थी और मैंने चाटी में अपने गांव में ये सोचा कि शायद ऊपर वाला कोई संकेत दे रखा है। वो संकेत दे रखा है कि जब तुमने प्रण लिया तो उनके बिना कोई उत्सव जीवन का होगा नहीं और उन्हें ले गए तो इसका मतलब मेरे जीवन में कोई उत्सव जिंदगी में लिखा नहीं है। एक परिवार के रूप में हम कोई होली दिवाली और जन्मोत्सव नहीं मनाते हैं और मैं इस जीवन में नहीं मनाऊंगी। ये मैंने आज तक नहीं कहा, ये संजोग की बात है कि आज चुनाव के बीच में दिवाली आई हुई है और जन्मदिन के ऊपर युवा साथी आते हैं। मैं पुष्प ले लेती हूँ लेकिन केक भी बहुत जल्दी लेकर आते हैं। मैं फिर उनको अलग से समझाती हूँ कि आप मेरी मजबूरी समझिए, आप अपने आप में काट लीजिए, मैं मनाती रही। लेकिन भगवान जब एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता जरूर है, उसके घर में अंधेर नहीं है। हमारे जीवन की रोशनी और रंग और उत्सव तो शायद हमेशा के लिए ले लिए लेकिन मुझे भाग्य ने आपके रूप में असीम बहुमूल्य दौलत दी है और मेरे पिता ने मेरे कंधों पर एक जिम्मेदारी दी और विश्वास से दी है। ये कहकर दिए कि सामने दिव्या मुझे दी थी और मैं विश्वास के साथ एक जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूं। मेरे पिता ने जो कर्तव्य मुझे दिया है वही मेरे जीवन का संकल्प है, वही मेरे जीवन का ध्येय है। मैं आपको यहां से आज वादा करती हूँ कि मैं अपनी मेहनत से तो देखा आपने और सुना भी। आपको बता दें कि दिव्या मदेना की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में फायर ब्रांड नेता के तौर पर वो देखी जाती हैं। उनके बयान, उनके चर्चे हमेशा ही कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कांग्रेस पार्टी में अगर महिलाओं में देखा जाए तो दिव्या मदेना इकलौती ऐसी नेता है जो यहाँ पर अगर बात करें तो अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट दोनों को सीधे सीधे चुनौती देने का काम करती है। और शायद यही वजह है कि पहले 33 प्रत्याशियों की लिस्ट में दिव्या मदेना इकलौती ऐसी महिला नेत्री थी जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने जिनके नाम पर मोहर लगाई और यही वजह है कि दिव्या मदेना को लेकर कांग्रेस हमेशा अपनी तस्वीर को साफ रखती है कि चुनावी मैदान में दिव्या मदेना को उन्हीं के गढ़ यानी कि यहां पर अगर बात करें तो सीधे सीधे ओसिया सीट से ही उतारना है। एक बार फिर से वो इसी सीट से चुनावी मैदान में उतारी गई है। अब देखना होगा कि क्या इस बार भी पिछली बार की तरह ताबड़तोड़ जीत दिव्या मदेना हासिल करती हुई नजर आएंगी या नहीं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट।